और दोस्तों कैसे आप, मेरा नाम है अरुण प्रभुदेसाई। से ट्रैक इंडेक के और एक वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों मेरे हाथ में है पेरिंग नाइफ जो हम इस्तेमाल करते हैं अनबॉक्सिंग के लिए, और आज हम करने वाले हैं अनबॉक्सिंग मी टीवी 4A की। जी हाँ, हमारे पास है 43 सेंटीमीटर वाला शाओमी का बजट स्मार्ट टीवी। चलिए इस वीडियो में करेंगे अनबॉक्सिंग, फर्स्ट इंप्रेशन, थोड़ा खेलेंगे उसके साथ, देखेंगे भाई पैचवॉल यूआई जो सॉफ्टवेयर है कैसा है और बाकी सब भी। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों हमारे वीडियोस मिलने के लिए सब्सक्राइब और बेल आइकन पे क्लिक जरूर करें। दोस्तों टीवी है ये 43 इंच का, लेकिन इसके अनबॉक्सिंग में ज्यादा कुछ नहीं आता है। जी हाँ, ये देखिए, ये दो पैर जो स्टैंड है वो आते हैं। ये है स्टैंड, जी हाँ, प्लास्टिक के हैं, एंड नीचे रबराइज्ड भी है इसमें, सो दैट नॉन स्लिपरी रबराइज्ड। यस ओके। नेक्स्ट आता है 11 बटन का रिमोट, जो शाओमी ने उनके वीडियोस में बहुत बार कहा है। तो ये है रिमोट, जी हाँ, मेरे पास मी टीवी मी बॉक्स है, जी हाँ, सेम वैसा ही है रिमोट 11 बटन का। साथ में आता है एक छोटा सा यूजर मैनुअल, कैसे इंस्टॉलेशन करें, एक्सेसरीज, टीवी इंटरफेस, सेफ्टी नोटिस एंड इंस्टॉलेशन गाइड। और दोस्तों ये है स्क्रूज जो स्टैंड पे लगाने के लिए, अभी हमने ऐसे ही खड़ा किया है लेकिन इसको अब हम लगाएंगे स्टैंड के ऊपर। तो दोस्तों अब लगा दिया हमने मी टीवी 4A स्टैंड के ऊपर। जी हाँ, चलिए देखते हैं पोर्ट्स क्या है, HDMI कितने हैं, USB कितने हैं और बाकी सब। चलिए देखते हैं। सबसे पहले बोल दूं, इसके जो बेजल्स हैं दे आर प्रीटी थिन, एकदम थिन नहीं है लेकिन लेसर देन एवरेज। लेकिन ये जो पियानो फिनिश है दोस्तों, ये देखिए कर्व्ड, बहुत ही रिच लगता है। सो बजट टीवी होने के बाद भी ये दिखता है प्रॉपर एक्सपेंसिव टीवी। तो मैं डिजाइन के बारे में अगर देखा गया तो टीवी ये बहुत अच्छा दिखता है। अब देखते हैं पीछे से कैसा दिखता है। दोस्तों ये जो टीवी है ये मी टीवी 4 जैसे 4.9 mm थिन नहीं है। जी हाँ, अगर आप सोच रहे होंगे ये भी वैसे ही है, वैसे नहीं है। इसका जो थिकनेस है अगर आप देखेंगे तो आई वुड से एक फोन के जितना होगा, एब्सोल्युटली अबाउट 10 mm, 9 to 10 mm थिकनेस होगा एक फोन है, इतना ही इसका थिकनेस भी है। दोस्तों इंटरेस्टिंगली वॉल माउंट स्टैंड नहीं आता है इस टीवी में, लेकिन जो वॉल माउंट के लिए चीजें लगती हैं वो सब है, आपको थर्ड पार्टी वॉल माउंट लेना पड़ेगा टीवी लगाने के लिए। अब देखते हैं इसके पोर्ट्स, लेफ्ट एक ही तरफ है दोस्तों, ऊपर की तरफ है RJ45, ये है ऑडियो वीडियो कॉम्पोजिट, USB, 3 HDMI है और नीचे 2, इसका मतलब 3 USB और 3 HDMI पोर्ट्स है, और साथ में कोएक्सियल केबल। दोस्तों और एक बात कहना चाहता हूँ, इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है प्लास्टिक ही है लेकिन अच्छी बिल्ड क्वालिटी है, बहुत डिसेंट है। और इंटरेस्टिंगली मैंने कोशिश की इस टीवी को उठाने की दो उंगलियों से। जी हाँ, जब उन्होंने किया था सुमित साहू उन्होंने जब डेमोन्स्ट्रेशन किया था तो उन्होंने दो उंगलियों से उठाया था। मैं नहीं कर सकता हूं दोस्तों, नहीं होगा ये। शायद उन्होंने 32 इंच वाला किया होगा जो बहुत ही हल्का होगा, लेकिन ये उतना हल्का नहीं है मेरे हिसाब से। दिस इज अबाउट 5 to 7 kgs, जी हाँ उतना है। चलिए आप देखते हैं आगे की तरफ, 3 स्टार मिलता है, ठीक ठाक है, एवरेज है। दोस्तों इसकी जो एनर्जी कंजम्पशन है वो है 118 watt hours per year, जी हाँ, तो ठीक ठाक है, 3 स्टार मिलता है। बाकी यही है आपका मी टीवी 4A। चलिए इसको करते हैं चालू और देखते हैं पैचवॉल क्या चीज है और बाकी क्वालिटी क्या है पिक्चर की। चलिए दोस्तों हमने कर दिया है पावर ऑन, करते हैं 11 बटन रिमोट यूज और करते हैं चालू इसे। देयर इट कम्स पैचवॉल, मी टीवी इज अबाउट टू स्टार्ट। तो दोस्तों ये आप कह रहा है फॉलो सिंपल स्टेप्स टू सेटअप योर मी टीवी, ओके, watch live TV, online movie shows and more, 400,000 plus hours of online content, 400 plus TV channels, requires USB IR। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया आपका पैचवॉल UI, जी हाँ, TV, HDMI, HDMI 2, HDMI 3, AV,
और फिर वही है और कुछ नहीं है। चल जाते हैं बैक एप्स। ये है इंटरनेट कनेक्टिविटी। टीवी मैनेजर दिखाता है आपको मेमोरी यूसेज, मतलब अभी तो आइडल है तो 40% यूज करता है ट्रैश में वो, एंड रनिंग 22 apps, रनिंग एप्स आर 22। मेमोरी बूस्ट, ट्रैश क्लीन, अनइंस्टॉल एप्स, डीप क्लीन, इंस्टॉल वाया यूएसबी। तो अगर आपको कोई एपीके साइड लोड करना है तो आप इंस्टॉल वाया यूएसबी भी कर सकते हैं। एंड ऑब्वियसली सेटिंग्स में देखते हैं क्या है। ऑटो क्लीन अप, लिमिट ट्रैश साइज, कुछ नहीं। क्या देखना है आपको? क्वीन नहीं, मुझे यूट्यूब देखना है। किंग कॉन्ग, स्कल आइलैंड, चलिए देखते हैं। यू आर अबाउट टू इंस्टॉल कंटेंट प्लग इन बाय हंगामा प्ले। अच्छा, तो पहली बार दोस्तों अगर आपको कुछ प्ले करना है, ये दिखाएगा पहले और उसके बाद में वो डाउनलोड करेगा ऐप और फिर दिखाना चालू करेगा, तो ये अच्छी बात है। जैसे जैसे आप देखेंगे वैसे वैसे आपकी लाइब्रेरी, ऐप की लाइब्रेरी बढ़ती जाएगी, लेकिन ये अच्छा चीज है। तो दोस्तों उसने कर दिया डाउनलोड हंगामा ऐप और हो गया चालू। ये देखिए, नो बफरिंग एट ऑल। तो दोस्तों जब इन्होंने लॉन्च किया था मी टीवी 4A, तो उन्होंने कहा था कि ये जो है ये है कस्टमाइज्ड फॉर इंडियन कंडीशंस। इसका मतलब इसका ऑडियो बहुत लाउड है, 20 वैट स्पीकर्स है। तो देखिए, पहले ग्रेनी था पिक्चर और अब हो गया क्लियर, क्योंकि धीरे धीरे वो डाउनलोड कर रहा है और दिखा रहा है। एंड दिस इज इंटेलिजेंट, ये देखिए। चलिए दोस्तों, मैं ढूंढ रहा था बहुत देर तक यूट्यूब ऐप मिलता है क्या, मुझे तो नहीं मिला, लेकिन देखते हैं और कौन से ऐप्स हैं इनके पास। सेटिंग्स, टीवी मैनेजर, गैलरी, ओ वायरलेस, जी हाँ, मीरा कास्ट सपोर्ट करता है। दैट मीन्स यू कैन कास्ट आपका जो मोबाइल पे जो भी देखना है आपको, वीडियो या कुछ भी, वो आप कास्ट कर सकेंगे। बहुत अच्छी चीज है। हमारा जो पार्ट टू है उसमें हम आपको करके दिखाएंगे, बहुत सारी चीजें गेम्स खेल के दिखाएंगे कैसा है इसका प्रोसेसर, बहुत सारे ऐप्स इंस्टॉल करके देखेंगे, यूट्यूब इंस्टॉल करके देखेंगे अगर होता है तो, वो सब करेंगे। तो वो जो है वो हम बाद में करेंगे, लेकिन देखते हैं और क्या है इसके अंदर। मल्टीमीडिया प्लेयर, सेटिंग्स, मतलब अगर जब आप यूएसबी डालेंगे, कोई मूवीज प्ले करेंगे तो इधर से देखेंगे, हम देखेंगे 4K प्ले करके देखेंगे, AVI, MP4, MPEG, वो सब फॉर्मेट्स भी प्ले करेंगे, लेकिन वो अगले पार्ट में, इसमें नहीं। टीवी गाइड, जी हाँ, ये सेंसी के साथ उनका टाई अप है हमेशा। मिस्टर साहू जिन्होंने अनाउंसमेंट की थी इस टीवी की, उन्होंने कहा था कि भाई सेंसी के साथ हमने टाई अप किया हुआ है। ये देखिए, पर्सनलाइज्ड टीवी गाइड देते हैं वो। तो बेसिकली दोस्तों सेंसी जो है क्या करता है, इधर आपको पूरा स्केड्यूल दे देता है, आपको जो भी देखना है आप देख सकते हैं। क्लिक करेंगे तो पूछेगा भाई कौन से पोर्ट, HDMI, HDMI 2, 3, जिधर भी आपका सेट टॉप बॉक्स कनेक्टेड होगा वो अपने आप सर्च करेगा वो वाला चैनल जिधर लगा है वो मैच, इंडिया ऑस्ट्रेलिया या और कुछ, और फिर दिखाएगा आपको। तो बहुत इजी कर देता है आपको स्विच करना सेट टॉप बॉक्स और इंटरनेट ऑनलाइन सर्विसेज है उसके बीच में। तो ये एक बहुत बड़ी बात है और अच्छी बात है, बहुत सिंपल कर दिया है इन्होंने। तो दोस्तों आप पूछेंगे भाई कैसा है मी टीवी 4A, अभी तक अभी आया है, आज हमने क्विक अनबॉक्सिंग किया है, फर्स्ट इंप्रेशंस आपको दिए हुए हैं, लेकिन अगले 2-3 दिन हम बहुत यूज करने वाले हैं, बहुत कुछ करने वाले हैं इसके साथ, और डिटेल्ड वीडियो लेके आएंगे, फुल रिव्यू होगा। आपके कुछ भी सवाल है इसके बारे में तो जरूर नीचे कमेंट सेक्शन में हमें #askarun के साथ पूछिए। दूसरी बात दोस्तों, अगर आपको कुछ भी चाहिए जो हमने इसके ऊपर इंस्टॉल करके देखना चाहिए तो जरूर हमें कमेंट सेक्शन में बोलिए, हम करेंगे आपके लिए वो, और वो दिखाएंगे पार्ट टू के वीडियो में। दोस्तों आज के हमारे मी टीवी 4A के फर्स्ट इंप्रेशन और अनबॉक्सिंग में इतना ही, अगले वीडियो तक।